पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी में जो इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके नेचर के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो इम्यूनिटी है वो एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है, पैसिव इम्यूनिटी हो सकती है, और इन दोनों में भी नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। तो इन सब के जो पहलू थे उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए जो सब्सटेंस जिम्मेदार है वो है एंटीजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो एंटीजन सब्सटेंस है, किसी पदार्थ में कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो उसे एंटीजन बनाती है, यानी कि उसमें ये क्षमता उत्पन्न कर देती है कि वह शरीर के अंदर पहुंचकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन को या जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स हैं उनको स्टार्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम को प्रेरित करते हैं, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एंटीजन के उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। एंटीजन क्या है? एंटीजन आर दोज सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू इंड्यूस एंटीबॉडीज फॉर्मेशन इन दी बॉडी। एंटीजन वह पदार्थ हैं जिनमें यह क्षमता होती है कि अगर वह हमारे शरीर में पहुँचे तो वह जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करते हैं, यानी उसे एक्साइट करते हैं कि वो एंटीबॉडी का निर्माण करे। एक दूसरा शब्द है इम्यूनोजेंस। एंटीजन एंटीजन वह सब्सटेंस हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रेरित करते हैं, दूसरे वह सब्सटेंस हैं जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो प्रेरित ही करते हैं, साथ ही जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं यानी कि एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी उससे कंबाइन हुई और फिर उस मॉलिक्यूल को शरीर से कैसे हटाया जाएगा उसके लिए जो तमाम क्रियाएं हैं उसको प्रेरित करते हैं, यानी ये कुछ हद तक बढ़ के होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस दोज मॉलिक्यूल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन बॉडी आर कॉल्ड इम्यूनोजेंस। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इम्यूनोजेंस कहते हैं। इट मीन्स देयर आर टू टर्म्स, वन इज एंटीजन, अनदर इज इम्यूनोजन। एंटीजन आर दोज सब्सटेंस दैट कैन एक्साइट्स इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बट द इम्यूनोजेंस आर दोज सब्सटेंस दैट इंड्यूस इम्यून सिस्टम टू स्टार्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो केवल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना और इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रतिरक्षा की क्रियाएँ हैं वो उसकी शुरुआत करना या बॉडी में प्रतिरक्षा क्रियाओं को संपन्न कराने वाले मॉलिक्यूल को इम्यूनोजेंस कहते हैं। तो ये दो हो गए। अच्छा, अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो एंटीजन है यानी कि जिसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन की क्षमता है वो इम्यूनोजेंस भी होता है, वो शरीर में जो इम्यून की क्रियाएँ हैं उनको प्रेरित करता है और उसका एक पार्ट है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जितने इम्यूनोजेंस हैं यानी कि जिनमें ये क्षमता है कि वो इम्यून क्रियाओं को एक्साइट कर दें, शुरू कर दें और वो होने लगें, उनको इम्यूनोजेंस कहेंगे। अब इम्यूनोजेंस है तो पहला काम एंटीबॉडी प्रोडक्शन का ही होगा, तो जितने इम्यूनोजेंस हैं वो तो एंटीजेंस हैं, लेकिन सारे एंटीजेंस जो है वो इम्यूनोजेंस नहीं होते, यानी कुछ एंटीजेंस ऐसे होते हैं जो केवल अगर शरीर में पहुंचते हैं तो जो शरीर में एंटीबॉडीज हैं वो उनसे जाके बाइंड करती हैं, उनको पकड़ती हैं, लेकिन दूसरे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होते और हमें आभास भी नहीं होता कि इस तरीके का कोई एंटीजन हमारे शरीर में पहुंचा। लेकिन इम्यूनोजेंस ज़्यादा स्ट्रेंथ के होते हैं, पावरफुल होते हैं, ये एंटीबॉडी अगर नहीं है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं इनके खिलाफ, और दूसरी जो इम्यून प्रतिक्रियाएं हैं जैसे जलन होना, सूजन होना, ब्लड फ्लो का बढ़ जाना, इस तरीके की पेन होना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सब मिलके इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स कहलाती हैं। तो ज़्यादातर केस में जो एंटीजन है वो इम्यूनोजन भी होते हैं,
और इन टर्म को एक दूसरे के स्थान पर इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, यानी कभी एंटीजन के रूप में इम्यूनोजन लिख दिया जाता है, इम्यूनोजन के रूप में एंटीजन लिख दिया जाता है, बट देयर आर स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो थोड़ा सा अंतर है, अगर एंटीजन ऐसा है दैट आर नॉट इम्यूनोजेनिक बट कैन टेक पार्ट इन इम्यून रिएक्शन आर कॉल्ड हैप्टेंस। अब अगर कोई एंटीजन ऐसा है जो इम्यूनोजेनिक नहीं है, पूरे इम्यून रिस्पांस को प्रेरित नहीं करता है, लेकिन इम्यून रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन को क्रिएट करता है, एंटीबॉडी के रिसेप्टर से बंधता है, तो उसे हैप्टेंस कहते हैं। यानी हैप्टेंस ये जो है लगभग में इक्वल है एंटीजन के। तो हैप्टेंस को हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अभी एंटीजन और इम्यूनोजन को देख रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, ऐसे एंटीजन जो इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं और लेकिन इम्यून रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें हैप्टेंस कहते हैं। इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एंटीजन टू इलिसिट एन इम्यून रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ बी एंड टी सेल रिस्पॉन्स। तो इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स, इम्यून रिएक्शन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एंटीजन की वह क्षमता जिसके द्वारा वो जो प्रतिरक्षी सेल्स हैं बी सेल्स और टी सेल्स, इनको एक्साइट कर देते हैं, इनको सक्रिय कर देते हैं और ये अपना क्रिया करती हैं। तो अमूमन एंटीबॉडी प्रोडक्शन बी सेल के द्वारा होता है और टी सेल फैगोसाइटोसिस में या उसके जो हमारा एंटीजन गया है उसके नष्ट करने में भाग लेती हैं। तो इन दोनों के कंबाइंड रिस्पांस को हम इम्यूनोजेनिक रिस्पांस कहते हैं। वेयर एज टर्म एंटीजेनिसिटी मीन्स जस्ट द एबिलिटी टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिस्पांस। तो जो एंटीजेनिसिटी मीन्स है, इसका मतलब है कि जो इनके प्रोडक्ट हैं केवल उनके साथ कंबाइन करना और उससे आगे कुछ नहीं। ऑल मॉलिक्यूल दैट आर इम्यूनोजेंस आर एंटीजेनिक टू। तो वह सारे अणु जो इम्यूनोजेंस हैं, यानी कि जो इम्यूनोजेनिक प्रतिक्रिया प्रेरित करते हैं, वो एंटीजेनिक होते हैं, यानी वो तो एंटीजन हैं, लेकिन इसका उल्टा ये सही नहीं है, यानी सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते। इम्यूनोजेंस सारे के सारे एंटीजन हैं, क्योंकि इम्यूनोजन होंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को जरूर प्रेरित करेंगे, या जो एंटीबॉडी है उसे ज़रूर वो कंबाइन करेंगे, तो वो एंटीजन तो होते हैं, प्लस उससे ज़्यादा होते हैं, यानी जो दूसरी सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, तो इनका फैगोसाइटोसिस होगा या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होगा, तो अलग अलग तरीके से इनको फिर वॉश आउट किया जाएगा, शरीर से हटाया जाएगा। तो ये सारे टर्म हैं एंटीजन, इम्यूनोजन, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी और हैप्टेंस। अब इनसे आगे देखते हैं, वही बट ऑल एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड इम्यूनोजेनिक। सारे एंटीजन्स वो इम्यूनोजन नहीं होते। अब एक एंटीजन के क्या क्या लक्षण होते हैं अमूमन जो सारे एंटीजन्स में मिलते हैं। तो पहला है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट मेक ए सब्सटेंस इम्यूनोजेनिक। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटीजेनिसिटी इंक्लूड्स। तो कई ऐसे तथ्य हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी पदार्थ को एंटीजन बनाते हैं या उसे इम्यूनोजेंस बनाते हैं। इनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो ये निर्धारित करती हैं कि पदार्थ एंटीजन होगा या इम्यूनोजन होगा, वो निम्न है। मॉलिकुलर साइज, मॉलिकुलर साइज कैसी होनी चाहिए। तो इन जनरल प्रोटीन मॉलिक्यूल विथ लार्ज मॉलिकुलर वेट आर हाईली एंटीजेनिक। जितने भी सारे एंटीजन हैं उनमें ये देखा गया कि जो प्रोटीन अणु हैं और अधिक अणुभार के अणु हैं उनमें एंटीजेनिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब दूसरे सब्सटेंस हैं, जैसे मान लीजिए प्रोटीन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, इनकी क्या स्थिति है। सब्सटेंस विथ मॉलिकुलर वेट ऑफ अबाउट 10,000, ये
100,000 हो गया है, लेकिन 10,000 डाल्टन से 10,000 के आसपास के अणुभार वाले या इससे ऊपर के अणुभार वाले जो होते हैं वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं, यानी कि वो उनमें जो स्ट्रेंथ है एज इम्यूनोजन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनके अलावा सब्सटेंस विथ मॉलिकुलर वेट ऑफ लेस देन 5,000 डाल्टन्स आर जनरली नॉट इम्यूनोजेनिक। अब दूसरे वे पदार्थ जिनमें जिनका अणुभार 5,000 डाल्टन से कम होता है वो सामान्य रूप पर इम्यूनोजेनिक नहीं होते, बट हैज बीन एक्सप्लॉयटेड। अब ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब अगर कोई अणुभार है और वो 10,000 के ऊपर का है तो हाईली एंटीजेनिक होता है, 5,000 से कम है तो लगभग में एंटीजेनिक नहीं होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल हम चिकित्सा जगत में करते हैं, किसी अगर हमें कोई इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करना है तो हम ऐसे पदार्थ जिसका मॉलिकुलर वेट मोर देन 10,000 है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। बीच के जो सब्सटेंस हैं वो मध्य में आते हैं, इट मीन्स दे मे आइदर हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और नॉट। उनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकती है तो मध्यम श्रेणी की होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो कट ऑफ पॉइंट क्या है, 5,000 से कम नो इम्यूनोजेनिक या नो एंटीजेनिक, एंड मोर देन 10,000 आर श्योरली ऑलमोस्ट श्योरली दे आर एंटीजेनिक, एंड इफ द मॉलिकुलर वेट लाई बिटवीन 5,000 एंड 10,000 देन देयर इज ए मीडियम कैपेसिटी टू बी एंटीजेनिक। तो मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर साइज जो है ये डिटरमाइन करती है कि पदार्थ एंटीजन होगा या नहीं होगा। दूसरा है फॉरेननेस, यानी पदार्थ ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर से बाह्य हो, यानी हमारे शरीर में जो पदार्थ है उसके जैसा ना हो, वो नेचर में अलग होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी उसे बाहरी या फॉरेन विदेशी माने। तो अब ये कैसे निर्धारित होगा, कोई पदार्थ कैसे फॉरेन बनता है। द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड सेल्फ और नॉन सेल्फ बाई द इम्यून सिस्टम डिपेंडिंग ऑन वेदर आर नॉट द मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल वाज एक्सपोज्ड टू द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो किसी पदार्थ को अपना या पराया, सेल्फ या नॉन सेल्फ तब माना जाता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो अणु है वो फीटल डेवलपमेंट के दौरान जब इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तब उसके संपर्क में आया है कि नहीं। उस समय जब इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है तो बॉडी में जितने भी पदार्थ हैं वह ऑलमोस्ट इसके संपर्क में आते हैं और उनको वो धीरे धीरे रिकग्नाइज कर लेता है कि ये जो है हमारे अपने हैं। या यूँ कह लीजिए कि कोई मेंबर है घर का, शिशु के रूप में होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसमें ये एबिलिटी आती जाती है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। सेम वही है कि जब फीटल डेवलपमेंट के दौरान बाकी सिस्टम भी डेवलप होते हैं, इम्यून सिस्टम भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान वो जिन जिन चीज़ों के संपर्क में आता है, जिनसे वो एक्सपोज होता है, देखता है, वो सेल्फ हो जाते हैं, उनको उनकी आदत बन जाती है उनको पहचानने की, उनको टॉलरेट करने की। और जो इम्यून सिस्टम डेवलप होने के बाद सडन कॉन्टेक्ट में आते हैं और जो पहले जो पदार्थ हैं उनके नेचर के नहीं होते हैं तो उन्हें हम फॉरेन सब्सटेंस बॉडी मानती है और उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनती हैं या इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित होते हैं। तो इस तरीके से फॉरेननेस का होना भी किसी पदार्थ के लिए एंटीजन होगा या नहीं होगा इसके डिटर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। अब फॉरेननेस इम्प्लाइज एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू टॉलरेट सेल्फ एंटीजन। फॉरेननेस से मतलब यह है कि जो होस्ट है उसकी ये एबिलिटी कि वो अपने एंटीजन को टॉलरेट कर लेती है, दूसरे को टॉलरेट नहीं करती। टॉलरेंस विथ देम डेवलप बाई कॉन्टैक्ट विथ देम इन द इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी जो टॉलरेंस है वो कब डेवलप हो रहा है, इम्यून सिस्टम के प्रारंभिक अवस्था में जब वो डेवलप हो रहा होता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट। और इसमें भी खास तौर पर जब लिम्फोसाइट बन रहे होते हैं
उस दौरान ये जिन जिन के संपर्क में आते हैं, जिनसे एक्सपोज होते हैं, उनको ये सेल्फ मानते हैं और दूसरे को फॉरेन माना जाता है। तो पहला हो गया मॉलिकुलर साइज, दूसरा फॉरेननेस, तीसरा जो है वो है हमारा केमिकल स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब जो मॉलिक्यूल है वो केमिकली किस नेचर का है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है किसी भी पदार्थ को एंटीजन होने के लिए। प्रोटीन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्यूनोजेंस फॉलोड बाई पॉलीसेकेराइड्स। केमिकली अगर देखा जाए तो प्रोटीन जो है उनमें एंटीजन या इम्यूनोजेंस होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद पॉलीसेकेराइड्स का नंबर आता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इनके बाद जो न्यूक्लिक एसिड और लिपिड हैं आर नॉट इफिशियंट इन इलिसिटिंग ए गुड इम्यून रिएक्शन although they may act as heparins। तो जो न्यूक्लिक एसिड हैं और लिपिड्स हैं इनमें इम्यून रिएक्शन को प्रेरित करने की क्षमता लगभग बहुत कम होती है, बहुत अच्छे नहीं है इस मामले में, बट दे मे एक्ट एज हेपटेंस, लेकिन ये एंटीबॉडी बनने को प्रेरित कर सकते हैं, हेपटेंस के रूप में ये काम कर सकते हैं, इनसे एंटीबॉडी आके बन सकती है, यानी इनके ये जो हैं ये इनके लिए एंटीबॉडी पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, तो उनसे तो ये बंधते हैं, हेपटेंस के रूप में काम कर करते हैं ये, लेकिन ये इम्यूनोजेन के रूप में काम नहीं कर पाते या इनमें इम्यूनोजेन के रूप में काम करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। तो जो प्रोटीन की संरचनात्मक जटिलता है उसकी वजह से इनमें इम्यूनोसिटी डेवलप होती है। चेन ऑफ सिंगल अमीनो एसिड, अब कोई प्रोटीन ऐसी है जो एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से बनी है, और सिंगल शुगर आर पुअरली इम्यूनोजेनिक, या पॉलीसेकेराइड ऐसी है जो एक ही प्रकार के शुगर से बनी है, तो इन ये भी जो है इम्यूनोजेंस के रूप में कमज़ोर होते हैं। बट इफ़ डिफरेंट अमीनो एसिड आर शुगर्स आर कम्बाइंड इन द सेम मॉलिक्यूल द इम्यूनोजेनिसिटी इज ग्रेटली इन्हांस्ड। लेकिन अगर प्रोटीन में अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड हैं या पॉलीसेकेराइड में अलग अलग प्रकार के शुगर एक ही पॉलीसेकेराइड अणु में पाए जा रहे हैं, तो इम्यूनिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ग्रेटली इन्हांस्ड हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेबिलिटी। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा मॉलिकुलर साइज कैसा होना चाहिए, अणु का फॉरेन होना चाहिए, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, और अब जो नेक्स्ट है वो इन एंटीजन होने के लिए डिपेंड करता है कि उस केमिकल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसी है। तो हाईली स्टेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर नॉट इम्यूनोजेनिक। ऐसे पदार्थ जो बहुत अस्थाई हैं और जल्दी विघटित नहीं होते हैं वह लगभग में नॉन एंटीजेनिक होते हैं या नॉट इम्यूनोजेनिक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्लास्टिक काफ़ी स्टेबल होता है, मेटल्स हैं, और डी अमीनो एसिड के जो चेन है ये सारे के सारे, इनमें इम्यूनोजेनिक कैपेसिटी बहुत ही कम है या लगभग में नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज इंटरनलाइजेशन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर ऑलवेज एसेंशियल टू माउंट एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करने में एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको एपीसी कहा जाता है, इनके बारे में भी हम बाद की क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, अब ये क्या काम करती हैं कि जो पदार्थ है उनको ब्रेक डाउन करके उनके हिस्से को अपने सरफेस पर धारण करती हैं और इसे जो है प्रेजेंट करती हैं ले जाके, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकग्नाइज करता है और उसके हिसाब से स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस वो स्टेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है, तो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होता है, और ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो जो एपीसी हैं वो इनके पार्ट को अपने सरफेस पर धारण नहीं कर पाएंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी और इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स शुरू नहीं होती। तो ये कारण है कि अगर कोई पदार्थ इम्यून स्टेबल है तो
तो उसमें इम्यूनोजेनिक कैपेसिटी बहुत कम होती है या नहीं होती, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, देयरफॉर वेरी स्टेबल सब्सटेंसेस सच एज सिलिकॉन हैव बीन सक्सेसफुल एज नॉट इम्यूनोजेनिक मटेरियल फॉर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सच एज व्रिस्ट इम्प्लांट। अब इसका ये जो प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी का, इसका उपयोग करके हम इसका मेडिसिन में या सर्जरी में यूज करते हैं, यानी कि अगर बॉडी में कोई ऐसी चीज़ लगानी है जो बाह है फॉरेन है, तो वो जितना स्टेबल होगा और नॉन डिग्रेडेबल होगा उतना ही उसके खिलाफ जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो प्रेरित नहीं होंगे और बॉडी उन्हें रिजेक्ट नहीं करेगी। तो अब इसका उदाहरण है सिलिकॉन, जिसको हम व्रिस्ट इम्प्लांट सर्जरी में यूज करते हैं। तो सिलिकॉन से जो इम्प्लांटेशन किए जाते हैं वो जो रिजेक्शन प्रोसेस है उसको नहीं होने देते, बॉडी जो है उनके खिलाफ जो है इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित नहीं करती है, वो आसानी से ट्रांसप्लांट के रूप में बने रहते हैं। तो सिलिकॉन इसका एक एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड इफ ए सब्सटेंस इज वेरी अनस्टेबल इट मे ब्रेक अप बिफोर एनएपीसी कैन इंटरलाइज। तो दूसरी तरफ ऐसे पदार्थ जो बहुत अनस्टेबल हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं ऐसे पहले कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उन्हें अंदर ग्रहण करे, बिफोर एनएपीसी कैन इंटरनलाइज एंड हेंस बिकम इम्यूनोजेनिक। तो ये से पदार्थ जो है वो फिर इम्यूनोजेनिक हो जाते हैं। इन एडिशन लार्ज एंड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर इम्यूनोजेनिक देन स्मॉलर सॉल्युबल वन। अब इसके अलावा जो बड़े और अघुलनशील कॉम्प्लेक्स हैं वे ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं। जो छोटे और घुलनशील अणु हैं उनकी तुलना में, तो जो छोटे और घुलनशील अणु हैं उनकी तुलना में जो बड़े अघुलनशील कॉम्प्लेक्सेज हैं उनमें भी इम्यूनोजेन बनने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। दिस इज बिकॉज मैक्रोफेज फाइंड इट ईजियर टू फैगोसिटाइज। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रोफेज हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं उनके लिए ये आसान हो जाता है, अगर कोई बड़ा और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो उनको फैगोसिटाइज करने में, उनको डिग्रेड करने में एंड प्रेजेंट दी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस देन दी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रोफेज हैं उनके लिए फैगोसिटाइज करना, डिग्रेज करना और उन्हें प्रेजेंट करना वो काफ़ी सरल हो जाता है एंड प्रेजेंट द इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस देन द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैं उनको फैगोसिटाइज करना, डिग्रेड करना, प्रेजेंट करना वो माइक्रोफेज के लिए आसान होता है अपेक्षाकृत जो घुलनशील अणु हैं उनके। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा किसी पदार्थ को इंटीजन बनने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी साइज, उसका मोलिकुलर वेट, फिर उसका फॉरेन होना, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी का होना और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा जो पदार्थ है वो घुलनशील हो या घुलनशील है ऐसे पदार्थ जो उनका दूसरा नेचर है वो भी महत्वपूर्ण है किसी को एंटीजन बनने के लिए या एंटीजन की कैपेसिटी ना आने के लिए। कुछ दूसरे फैक्टर भी हैं जो जिनके आधार पर निर्धारित होता है कि कोई पदार्थ एंटीजन होगा या नहीं होगा। पहला है बायोलॉजिकल सिस्टम। अब इसमें यह है कि कोई पदार्थ किस प्रकार के बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटर कर रहा है। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जहाँ पर वो पदार्थ एंटीजन होता है और दूसरे में नहीं होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द इम्यूनोलॉजिकल नेचर ऑफ एन एंटीजन। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इस बात के निर्धारण में कि कोई पदार्थ एंटीजन होगा या इम्यूनोजन होगा कि नहीं। सम सब्सटेंसेज आर इम्यूनोजेनिक इन वन इंडिविजुअल बट नॉट इन अदर। तो कुछ पदार्थ किसी एक
व्यक्ति में इम्यूनोजेनिक है, दूसरे में नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो भी निर्धारित करता है कि कोई पदार्थ उसके लिए एंटीजन होगा कि नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक ही पदार्थ से बीमार हो जाता है और वही पदार्थ दूसरे, यानी दूसरे व्यक्ति में उसको टॉलरेट करने की क्षमता होती है, वो उसमें समस्या नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो उसका सिस्टम है और उसकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है या जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो अलग अलग है, इस वजह से भी कोई पदार्थ कहीं इम्यूनोजेनिक होता है कहीं नहीं होता। बहुत लोगों में किसी ऐसे पदार्थ के प्रति एलर्जी होती है, यानी वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं, दूसरे में नहीं होते। तो बायोलॉजिकल सिस्टम भी डिटरमाइन करता है। अच्छा, अब दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल मे, ME की जगह पर मे होगा, MAY, मे लाइक और हैव अल्टर्ड जीन्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इंडिविजुअल में किसी में कोई विशेष प्रकार की जीन है, किसी में नहीं है, या किसी में एक प्रकार की जीन है, दूसरे में उसका बदला हुआ रूप है, अल्टर्ड फॉर्म है। दैट कोड्स फॉर द रिसेप्टर्स फॉर एंटीजन्स, और ये ऐसी जीन है जो कि इन एंटीजन के रिसेप्टर्स को बनाती हैं बी सेल और टी सेल पर। अब अगर वो जीन बदली हुई है तो रिसेप्टर का नेचर बदल जाएगा और वो ऐसे एंटीजन से बंध नहीं पाएगा, तो वो पदार्थ वहाँ एंटीजन के रूप में काम नहीं करेगा। या ऐसी जीन ही नहीं है जो रिसेप्टर प्रोटीन्स को कोड करती है, तो वहाँ पर रिसेप्टर डेवलप नहीं होंगे और वह पदार्थ एंटीजन नहीं बन पाएगा। तो या ऐसा हो सकता है दे मे नॉट हैव द अप्रोप्रिएट जीन्स नीडेड फॉर द APC टू प्रेजेंट एंटीजन टू द हेल्पर सेल। या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें ऐसी उपयुक्त जीन ना हो जिनकी जरूरत होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, जिससे वो एंटीजन को हेल्पर टी सेल को प्रेजेंट कर सकें और उस सैंपल का इस्तेमाल इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित करने में किया जा सके। तो किसी भी स्तर पर कुछ कमी हो सकती है, वेरिएशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल में एक पदार्थ एंटीजन हो सकता है और दूसरे से इंडिविजुअल में वो पदार्थ एंटीजन नहीं होता है। ये भी चीज़ें जो है डिटरमाइन करती हैं। दूसरा जो अदर फैक्टर्स में है वो है डोसेस, यानी पदार्थ कितनी मात्रा में शरीर में एंटर कर रहा है और किस रूट से एंटर कर रहा है, ये बात भी इम्पोर्टेंट होती है। द डोजेस ऑफ द एंटीजन एंड द रूट बाई व्हिच इट कम्स इनटू द कॉन्टैक्ट विद द इम्यून सिस्टम आल्सो इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन। तो कितनी मात्रा में है और किस पथ से आ रहा है, ये भी प्रभावित करता है किसी एंटीजन को इम्यूनोजन होने के लिए, इम्यूनोजन होगा कि नहीं होगा। वेरी लो डोजेज ऑफ एंटीजन डू नॉट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स आइदर बिकॉज टू फ्यू, टी डबल वो होगा, टू फ्यू लिम्फोसाइट्स आर कॉन्टेक्टेड। बहुत कम डोज में अगर कोई जा रहा है तो वो भी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित नहीं कर पाता है। इसलिए होता है कि बहुत कम लिम्फोसाइट, बहुत ही कम लिम्फोसाइट उसके संपर्क में आते हैं, उससे एक्सपोज होते हैं, इसलिए कोई रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई नहीं देता, अपियर नहीं होता है। तो टू फ्यू लिम्फोसाइट्स आर कॉन्टेक्टेड, और या दूसरी स्थिति हो सकती है विकास ये नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट इज इलिसिटेड, या जो है जो मात्रा आई है उसके प्रति बॉडी में एक नॉन रिस्पॉन्सिव स्टेट वो उत्पन्न हो गया है, उतने पर जो है कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित नहीं किया जाएगा। तो बहुत कम डोज में भी ये पदार्थ एंटीजन के रूप में सफल नहीं हो पाता या एंटीजन के रूप में सफल नहीं हो पाता। अब रूट क्या होना चाहिए? जनरली एंटीजन्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द पेरेंटल रूट टू प्रोड्यूस गुड लेवल ऑफ एंटीबॉडी। तो सामान्य तौर पर जो है वो जो एंटीजन है वो पेरेंटल रूट के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। अब ये जो पेरेंटल रूट होता है वो क्या है,
पेरेंटल रूट का मतलब है कि जो जनरल पथ है, जैसे कि मुख है, नाक है, कान है और एनस है, इन रास्तों से जो है ये शरीर में प्रवेश करते हैं। और अगर इन लेवल से जा रहे हैं तो ये शरीर में गुड लेवल ऑफ एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। द एंटीजन कैन बी गिवन बाई इंट्रावीनस। अब एंटीजन्स जो हैं वो शरीर में इंट्रावेनस माध्यम से भी दिए जा सकते हैं, सबक्यूटेनियस माध्यम से दिए जा सकते हैं, इंट्राडर्मल रूट से दिए जा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से दिए जा सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल और म्यूकोसल रूट से दिए जा सकते हैं। अलग अलग पथ हैं जिसके द्वारा ये जो है तो देखिए यहाँ पर जो पेरेंट्रल का मतलब होता है कि सीधे इंजेक्शन के रूप में जो एंटीजन है उनको सीधे हमारे ब्लड में या स्किन में ट्रांसमिट किया जाए। तो अगर एंटीजन को सीधे ब्लड या स्किन में ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको पेरेंट्रल रूट कहा जाता है। और इससे पहले जब हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो ऐसे पथ हैं वहाँ पर जो है वो इम्यूनिटी होती है, जैसे मुख के पास है, एनस के पास है, नाक के पास है, तो फर्स्ट लेवल ऑफ वेरियर्स होता है। यहाँ पर म्यूकस में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज स्रावित होती हैं जो मतलब लोकल इम्यूनिटी यहाँ पर होती है और यहाँ पर जो प्रवेश करने वाले एंटीजन हैं उनको वही नष्ट कर दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो अमूमन इन सबको साइड करके जो पेरेंट्रल रूट से यानी सीधे ब्लड में या स्किन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे हमारे वैक्सीन्स दिए जाती हैं और टीके लगाए जाते हैं, तो ये इनमें ज़्यादा क्षमता होती है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की। इसके अलावा जो है इंट्रावीनस यानी वेंस में, सबक्यूटेनियस जो स्किन है इसमें, इंट्राडर्मल डर्मिस में, इंट्रामस्कुलर जो हमारी मसल्स हैं उसमें, इंट्रापेरिटोनियल और म्यूकोसल रूट से भी जो है वो एंटीजन को एडमिनिस्टर्ड किया जा सकता है। तो ये भी डिटरमाइन करता है कि जो स्ट्रेंथ होगी इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स की वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि एंटीजन किस पथ से शरीर में इंटर कर रहा है। तो इसके अलावा जो सहायक चीज़ें हैं वो है एडजुवेंट, यानी कुछ एंटीजन के साथ कुछ सहायक कुछ लगी हुई चीज़ें होती हैं, अगर वो उनके साथ हैं तो वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। एडजुवेंट्स आर द सब्सटेंस दैट व्हेन मिक्स्ड विथ एन एंटीजन एंड इंजेक्टेड विथ इट बूस्ट द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन। एडजुवेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अगर एंटीजन के साथ मिक्स कर दिया जाए और उस मिक्सचर को शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो ये जो इम्यूनोजेनिसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। एडजुवेंट इंक्रीज बोथ द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये मात्रा को भी बढ़ाते हैं और समय को भी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा समय तक वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रेरित करते हैं। तो ये रहा आज का जो है जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन कौन से वह पदार्थ हैं जो शरीर में किसी पदार्थ को एंटीजन बनने के लिए ज़रूरी हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि जो मॉलिकुलर साइज है, मॉलिकुलर वेट है वो इम्पोर्टेंट है। अमूमन बड़े मॉलिकुलर वेट के और कॉम्प्लेक्स साइज के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं। फॉरेननेस होना ज़रूरी है, यानी कि जो पदार्थ है उसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय वो संपर्क में आया है कि नहीं आया है। केमिकली वो किस नेचर का है, वो प्रोटीन है, पॉलीसेक्राइड्स है, डीएनए है या लिपिड है, और फिर उसकी जो संरचना है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है किसी पदार्थ को
एंटीजन या इम्यूनोजन होने के लिए, फिर स्टेबल कितना है, ज़्यादा स्टेबल होगी तो वो इम्यूनोजेनिक कम होगा, अगर वो कम स्टेबल है ईजिली डिग्रेड हो सकता है तो ईपीसी की प्रोसेस आसानी से होती है और वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। दूसरे फैक्टर्स जो हैं जो डिटरमाइन करते हैं उसमें बायोलॉजिकल सिस्टम है, व्यक्ति के का जीन का संगठन कैसा है और दूसरी स्थितियां कैसी हैं, वो भी इस बात को निर्धारित करती हैं कि उसमें इम्यूनोजेनिक प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। डोजेस कितनी मात्रा में आ रहा है और रूट आने का क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो एडजुवेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी पदार्थ को एंटीजन या इम्यूनोजन बनाती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे।